हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं यू लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि ये जो 2.0 ओम होम थिएटर का जो बोर्ड होता है उसको मैंने ब्रिज किया है। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप 2.1 होम थिएटर का जो बोर्ड होता है उसका लेफ्ट और राइट चैनल को ब्रिज करके हमें कनेक्शन करके दिखाइए। तो मैंने यहाँ पर ब्रिज कर कर रखा है, आप इसको देख सकते हो। मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के जिस तरीका से ब्रिज बनाया जाता है दोनों आईसी को मिलाकर, और आप देख सकते हो कि जब मैंने ब्रिज इसको कनेक्शन किया तो डायरेक्ट दोनों आईसी से हमारे स्पीकर में ये वायर गया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो, आठ इंच का स्पीकर जो बूफर स्पीकर है बहुत अच्छा से काम कर जा रहा है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कि बहुत सारे ऐसे कमेंट आने लगता है कि ब्रिज मोड पर करने के क्या फ़ायदे होते हैं। तो दोस्तों, यही होता है कि अगर आपके आईसी पर एक आईसी पे मान के चलते अगर 15 वाट मिल रहा है और दोनों को ब्रिज करते हैं तो वही 30 से 35 वाट तक आपको आउटपुट दे देगा। इसी तरीके से इसका वाटेज बढ़ जाता है एक तरह से। तो वही होता है, ब्रिज मोड में आपको एक तरह से वाटेज बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको मैंने किस तरीके से कनेक्शन किया है वो आपको दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस होम थिएटर बोर्ड और यहाँ पे ये जो इस टाइप का होम थिएटर बोर्ड है उस दोनों के बारे में बताऊंगा। तो दोनों का सेम सर्किट होता है दोस्तों, लेकिन थोड़ा इसका जो डिज़ाइन है थोड़ा चेंज किया गया है, तो मैं इसी में बताऊंगा। तो इसको किस तरीका से ब्रिज करेंगे तो वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादा इसमें कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ही छोटा सा कनेक्शन होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जो ब्रिज एम्पलीफायर बन जाता है तो उसका स्पीकर का कनेक्शन ग्राउंड से नहीं होता है, डायरेक्ट दोनों आईसी से होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे ये जो आईसी देख रहे हो ये हमारा सब ऊपर का है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ये दोनों हमारा लेफ्ट राइट है, ठीक है। तो ये दोनों चैनल को ब्रिज करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस साइड से अगर हम इसको देखते हैं तो हमें क्या है दोस्तों कि एक चैनल को तो हमें ग्राउंड करना होता है, लेकिन इसमें क्या है कि हमें ग्राउंड करना नहीं होगा क्योंकि इसमें एक रेजिस्टेंस के जरिए इसमें ग्राउंड में दिया गया रहता है। तो इसमें हमें ग्राउंड की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये हमारा फर्स्ट चैनल है। तो इसमें होता क्या है कि पहले वाले चैनल को एक रेजिस्टेंस के जरिए हमें ग्राउंड में डालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला पिन है इनपुट होता है, आप इसको भी इनपुट दे सकते हो ग्राउंड में, ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसी को देना है। तो मैं इसी को लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो फर्स्ट पिन है पहला वाला, उसमें यहाँ पे आप प्रिंट देख पा रहे हो, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये इसमें प्रिंट गया है और यहाँ से एक रजिस्टेंस आया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगे हुए हैं और यहाँ पे जंपर के जरिए ग्राउंड में लाया गया, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमारा ग्राउंड में जा चुका है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो हमारा ग्राउंड में चला गया है तो इसको हमें इनपुट जो होता है इसका ऑडियो इनपुट, ये वाला हमारा ऑडियो इनपुट होता है इसका, ये वाला, ठीक है। तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं होगा, ये वाला जो ऑडियो इनपुट है यहाँ पर आता है, ठीक है। इसको हमें छोड़ देना है। इस पिन को मैंने ग्राउंड कर रखा है तो इसमें हमें ऑडियो इनपुट नहीं देना है और दूसरे वाले पिन में हमें ऑडियो इनपुट देना होगा, ठीक है। नॉर्मली जैसे होम थिएटर में कनेक्शन होता है ठीक उसी तरीका से रहेगा। बस यही होगा कि आपको जो इसमें हमारा इनपुट होगा उसको उठाकर हम इसमें दे देंगे, इस वाले पिन में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो करने के बाद चार नंबर पिन, मतलब यहाँ से जो हम जिसमें ऑडियो इनपुट देंगे ये वाले फर्स्ट पिन में, उसका चार नंबर पिन हमारा ये है, तो इसका प्रिंट यहाँ पर आता है। यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस को क्या करना है दोस्तों, यहाँ से रेजिस्टेंस को लेना है चार नंबर पिन से और यहाँ पे देना है, ठीक है। जो दो नंबर पिन है ये भी एक तरह का इनपुट होता है, इन्वर्टिंग इनपुट इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे ये और ये, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है और यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये वाला, ठीक है। ये जो आप पिन देख रहे हो ये हमारा डायरेक्ट दो नंबर पिन से आया है इस कैपेसिटर में, तो हमें वहीं पे कनेक्शन करना है, ठीक है। एक बार ठीक से ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको साफ वाले बोर्ड में दिखाने की कोशिश करूँगा, दूसरे वाले बोर्ड में जो कि यहाँ पे साफ दिखता है इसमें।
तो इसमें करना क्या है दोस्तों कि यहाँ से हम एक रेजिस्टेंस को लेंगे इस 4 नंबर पिन से और ये वाले पिन में, ठीक है। चाहे आप ये वाला बोर्ड में भी ठीक उसी तरीका से कनेक्शन होगा, थोड़ा आपका प्रिंट इधर उधर होगा, लेकिन क्या करना है, जो दूसरा नंबर पिन से जो हमारा रेजिस्टेंस आता है जहाँ आए, तो यहाँ से इस रेजिस्टेंस का जो दूसरा वाला भाग होगा यहाँ से लेके और 4 नंबर पिन में हम एक रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे, जिससे हमारा ब्रिज मोड बन जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद क्या करना है कि जब हम स्पीकर का कनेक्शन इसमें करते हैं तो एक को ग्राउंड से लेना पड़ता है और एक को आईसी के 4 नंबर पिन से लेना होता है। ठीक उसी तरीका से क्या करना होता है कि एक ग्राउंड से और फिर दूसरे आईसी को लेना पड़ता है, लेकिन अब वैसा नहीं होगा क्योंकि जब हम इसको ब्रिज मोड पर कर दे रखा है तो हमारा दोनों 4 नंबर पिन से आउटपुट होगा हमारा ऑडियो आउटपुट, जो कि स्पीकर में जाएगा, वो हमारा ग्राउंड से कनेक्शन नहीं होता है क्योंकि ब्रिज किया गया रहता है, ठीक है। अगर वही अभी नॉर्मली ये बोर्ड है तो आपको ग्राउंड से एक कनेक्शन लेना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम एक बार कनेक्शन आपको कर लेते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि मैं आपको बताया था कि यहाँ पे 4 नंबर पिन से एक 22K का रेजिस्टेंस लेना है, आपको 22K का ही लेना है दोस्तों, 22K का रेजिस्टेंस लेंगे। और 4 नंबर पिन से यहाँ पे ये वाले आईसी के 4 नंबर पिन से लेके हम दूसरे आईसी के 2 नंबर पिन में जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उसमें कनेक्शन करेंगे। इस तरीका से कनेक्शन होगा इसमें दोस्तों, ये वाले पिन में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारा स्पीकर का वायर है, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास एक 8 इंच का ये बूफर स्पीकर है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि जो आईसी का हम ग्राउंड किए थे, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी ग्राउंड है, तो उसमें हम माइनस वाले को देंगे 4 नंबर पिन में और दूसरे वाले को हम 4 नंबर पिन के रेड वाला कनेक्शन करेंगे। ये हमारा दोनों डायरेक्ट आईसी से आता है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिज मोड पे हो गया है तो ये हमारा दोनों आईसी से जाएगा, इसको ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा ऑडियो इनपुट होगा, तो यहाँ पे जो हमारा ऑडियो इनपुट होता है ये दोनों पिन को साइड वाले को लेफ्ट और राइट को एक साथ जोड़ लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो ऑडियो इनपुट आता है ये वाला पिन, ठीक है, इसका ये आता है यहाँ पे, जैसा ऑडियो इनपुट रहेगा वैसा ही होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑडियो इनपुट देना कहाँ पे है। ये वाला पिन जो आपको दिख रहा है दोस्तों, ये वाला पिन ये यहाँ पे जाता है, ठीक है, ये ऑडियो इनपुट इसमें जाता है पहला पिन से, ये वाला, ठीक है, उसी में हमें कनेक्शन करना है, तो इसका प्रिंट यहाँ पे आया हुआ है तो इसमें देना है। और ऐसा करने पे दोस्तों कोई आपको बास पे कम ज़्यादा नहीं फर्क मिलेगा, जैसे पहले आपको बेस मिलता था वैसे ही मिलेगा, सेम टू सेम। और एक को ग्राउंड जो था उसको ग्राउंड में ही कर देना है। तो ये हमारा हो गया है ब्रिज मोड, ठीक है। तो अब हम इसमें सप्लाई देते हैं और आपको चेक करके दिखाते हैं। यहाँ पे मैं पैनल में अब ऑडियो इनपुट दे रहा हूँ, तो जैसा कि आपने देखा कि ये ब्रिज मोड पे बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। तो आप इस तरीका से आप अपने होम थिएटर बोर्ड को ब्रिज मोड में कर सकते हो। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।